मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार जोहार। कुछ सालों पहले मुझे महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर रॉबिन शर्मा, जिसने द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी जैसे फेमस किताब की रचना की, उन्हीं की और एक सीरीज हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, नामक किताब से रूबरू होने का अवसर मिला। आज हम उन्हीं की किताब से एक मर्मस्पर्शी, हृदय को छू लेने वाली कहानी को सुनेंगे। यह कहानी एक हॉस्पिटल के दो मरीजों की कहानी है। चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक दिन एक गंभीर रूप से लकवाग्रस्त बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां और एक मरीज को उसी वार्ड में खिड़की के सामने रखा गया था। वहां रहते दोनों में दोस्ती हो गई। जो खिड़की के पास था वह अपने दोस्त को खिड़की के बाहर के मनोरम दृश्य का बखान करते नहीं थकता था। वह कभी हवा के झोंकों से हिलते पेड़ के पत्तों के बारे, तो कभी बगल वाले पार्क में लगे रंग बिरंगे फूलों के बारे में बड़े ही मस्त अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से व्याख्यान करता था। छोटे बच्चों की मस्तियाँ, खिलखिलाते चेहरे, चहचहाती चिड़ियों की उड़ान, लहलहाते खेतों की हरियाली, कितने सुंदर लगते हैं, कितनी सुंदर सृष्टि है भगवान की। दूसरा मरीज इन सब बातों को सुन बेहद खुश हो जाता और ऊर्जा से भर जाता था। अतः दोनों अपने बीमारी को कुछ पलों के लिए भूल जाते थे। कुछ दिनों के बाद दूसरे मरीज अपने असहाय बीमारी के कारण नाखुश था कि वह बाहर का नज़ारा देखने में असमर्थ था, और इसलिए वह अपने दोस्त को अब नापसंद सा करने लगा था। उसमें उसके लिए नफरत के साथ घोर घृणा भी पैदा हो गई थी। एक रात वह खिड़की के पास वाला रोगी जोर जोर से खांसने लगा, इस वजह से सांस फूलने लगा था, लेकिन भी वह अलार्म बटन को ऑन करने से मना कर दिया और वह जिंदगी को अलविदा कह दिया। डॉक्टर द्वारा उस पेशेंट को, जिसने अपने दोस्त को बाहर का मनोरम दृश्य को अपने बातों से रिझाता था, अब मृत घोषित हो चुका था। उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया। दूसरे पेशेंट ने तुरंत खिड़की वाले स्थान पर जाने की इच्छा जाहिर की, जहां उसका दोस्त खिड़की के बाहर का मनोरम दृश्य का मजा लिया करता था। उसकी इच्छा पूर्ति कर दी गई। उसे खिड़की के पास वाली बेड मिल गई। वह आकर सबसे पहले वे सब दृश्य देखने के लिए उतावले होते हुए खिड़की के बाहर झांकने लगा, पर वह खिड़की के बाहर का दृश्य देख वह अंदर से हिल गया। वास्तव में खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार के सिवा कुछ था ही नहीं। वहाँ उस मरीज का दिल तब दहल गया और मेरा भी, जब पता चला कि वह जो मर गया पूरी तरह से अंधापन का शिकार था। उसने कभी सुंदर सृष्टि को अपनी आँखों से देखा नहीं था। प्रिय साथियों, तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। सच ही कहा गया है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आए दिन हमें कितने सारे भौतिकवादी संसार में नकारात्मकता के थप्पेड़े अपने ज़िंदगी में खाने पड़ते हैं। बहुत बार हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर भी नकारात्मक सोच विचार में डूब जाते हैं। मैं सोचता हूँ जितनी बार हम इस कहानी को सुनेंगे, हम अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जा सकेंगे। विलियम जेम्स ने सच ही कहा है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले बारहमासी फल जैसा है। प्रिय दोस्तों, यदि आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। प्रिय दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।